Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator in the UPSC CSE category. And today हमारा नया ये result आ चुका है civil services examination का. तो चलिए इस result को discuss करते हैं और इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं. So extremely important for us. So we will discuss this. Let me know guys if I'm live or not. Let me see how many of you are there. हम सिर्फ रिज़ल्ट को डिस्कस नहीं करने वाले हैं बल्कि हम इसमें ये भी जानेंगे कि अब आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आगे की जर्नी कैसी होनी चाहिए. और अगर आप मान लो ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और अगर आपको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. दोनों ही बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट मी नो इफ़ आई एम लाइव और नॉट. येस, ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल गाइज, वेरी वेरी नाइस. हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब? हेलो हेलो एवरी वन. वाओ, प्लीज़ लाइक द वीडियो गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो. दिस इज़ द टारगेट दैट वी अचीव, 100 लाइक्स इन दिस वीडियो एटलीस्ट. कम से कम 100 लाइक्स आने चाहिए. वैसे भी आई कम लाइव वेरी लेस, है ना, आपको पता है, वेरी ऑफन, बहुत ही कम मैं आती हूँ. ओके ग्रेट, कैसे हैं गाइज आप सब? देखिए रिजल्ट तो आप सभी को पता चल ही चुका है, लेकिन फिर भी इसको एक बार एनालाइज करेंगे. इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी क्या होती है, ओबीसी एसटी एससी का क्या डिफरेंस होता है, उस सब चीज़ों को भी हम लोग थोड़ा देखेंगे. तो सबसे पहले देखिए, ये अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे कि ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये किस किस तरीके से रहेंगी. तो देखिए, ये जो है अपॉइंटमेंट्स जो हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, ठीक है, एंड इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए ग्रुप बी के जो भी हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए, उसके लिए हैं. तो आपको पता ही था गाइज इस टाइम में वैकेंसी कितनी थी, टोटल हमारी 829 कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी थी. इसमें से जनरल 304 सेलेक्ट हुए. EWC यानी कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड सेक्शंस में आ रहे हैं, वीकर सेक्शंस में जो आ रहे हैं, नॉट बैकवर्ड बट वीकर सेक्शंस, वो 78 हो गए हैं. OBC 251, SC 129 एंड ST 67. इसमें हमारी EWS, OBS, OBC और SC ST वाली जो ये कैटेगरी है, ये रिजर्व्ड लिस्ट की कैटेगरी होती है. ये नॉट रिजर्व्ड लिस्ट बट रिजर्व्ड सीट्स की कैटेगरी होती है. ये लोग रिजर्वेशन इनको थोड़ा मिलता है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस कि रिजर्वेशन हो या ना हो, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है. यहाँ पे सभी को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिलता है, कुछ ही मार्क्स का फ़र्क होता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल 91 है, EWS वाले 9 हैं, OBC वाले 71, SC 8 और ST 3 हैं. तो टोटल हमारे 182 जो हैं ये कैंडिडेट्स हैं जो कि रिजर्व लिस्ट में हैं. अब ये रिजर्व लिस्ट क्या होता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, डू यू नो वॉट इज़ रिजर्व लिस्ट, टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ग्रेट, गुड टू सी यू. देखिए अनअकैडमी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अनअकैडमी से हैं. बट रिजर्व लिस्ट क्या होती है गाइज, कि देखिए जो लोग फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए हैं लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया था, और हो सकता है कि आगे अगर फाइनल लिस्ट में मान लीजिए किसी ने ज्वाइन नहीं किया या कोई और दिक्कत आती है, तो इन लोगों को बुलाया जाएगा. ठीक है, तो इनके बहुत चांसेस होते हैं कि शायद इनको भी बुला लिया जाए. ठीक है, ये होता है रिजर्व्ड लिस्ट, समझ रहे. रिजर्व लिस्ट में क्या होता है कि जैसे कि ये लोग जो कैंडिडेट्स हैं ना, 182 जो टोटल कैंडिडेट्स हैं, ये अभी रिजर्व लिस्ट में है, मतलब अभी इनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, बट इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, राइट. तो हो सकता है इनको बाद में कंसिडर किया जाए, अगर कभी स्टाफ चाहिए होगा, अगर मान लीजिए जो जो लोगों ने सिलेक्शन किया है उनके साथ कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, तो उस जगह पे ये सीट्स फिलअप हो जाएंगी, राइट. ये होता है. अच्छा, इसमें अपॉइंटमेंट कौन कौन से सर्विस के लिए कितनी कितनी है वो आप देख सकते हैं. ये सब बस नॉर्मल फैक्चुअल डाटा है, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट है. ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज की आपकी अपॉइंटमेंट है. अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर. आपके डाउट्स भी मैं ले रही हूँ, ठीक है, डाउट्स मैं ले रही हूँ आपके, जस्ट वेट फॉर दैट. डाउट्स के ऊपर भी हम आएंगे. तो ये जो रोल नंबर हैं, ये उन 66 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं जो कि प्रोविजनल में हैं, और काफ़ी सारे जो है चीज़ें हैं इसमें. खैर, हमारे लिए हर एक बात जानना इतनी ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ये लिस्ट है जो इम्पॉर्टेंट है. तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर जो हमारे टॉपर हैं वो हैं प्रदीप सिंह, राइट.
प्रदीप सिंह इज टॉपर दिस टाइम. इनका रोल नंबर है 603184 एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर प्रदीप सिंह. यू ऑल शुड कॉन्ग्रेचुलेट एटलीस्ट. अगर प्रदीप हमारा ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स जब वो पढ़ें तो एवरीवन शुड रीड, है ना, कि प्रदीप सिंह को आप लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. इट्स अ वेरी हार्ड जर्नी, वी ऑल नो, सच अ बिग एग्जाम टू क्रैक, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्रदीप सिंह एंड अदर कैंडिडेट्स एज वेल, सभी लोगों के लिए. क्योंकि देखिए, यहाँ पे रैंक वन हो या कोई और रैंक हो वो चीज़ अलग बात है, बट स्टिल हर कोई जो है मेहनत कर रहा है. एंड हम जानते हैं कि कई लोगों का जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के दावेदार हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की होती है. यहाँ पे गलती देखिए स्टूडेंट की नहीं होती है. अगर कोई रिजर्व लिस्ट में नहीं है या मान लो कि लिस्ट में फाइनल लिस्ट में नहीं है तो क्या होता है कि वैकेंसी कम है, है ना. ज़रूरी नहीं है कि अगर 850 वैकेंसी है या 900 वैकेंसी है तो 900 लोग ही पढ़ने वाले हैं. ऑफकोर्स नॉट. अगर मान लो कि इतने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें से 50% लोग तो काफ़ी सिंसियर होते हैं. मान लीजिए 8 से 9 लाख लोग हैं जो हर साल प्रिपेयर कर रहे हैं. चलो मान लिया कि सभी लोग नहीं, लेकिन 50% तो काफ़ी सिंसियर होते हैं. उसमें से भी कुछ तो ऐसे होते हैं जो मतलब कितना कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई करते हैं. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी को अप्रिशिएट करें. अब जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि वी ऑल नो रैंक 20 नेहा बनर्जी, ठीक है, ये जो है ये हमारी अनअकैडमी स्टूडेंट हैं. नेहा बनर्जी को अनअकैडमी की तरफ से स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड इसके अलावा और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अनअकैडमी के स्टूडेंट्स रहे, जिन्होंने क्रैक किया इस साल एग्ज़ाम को. हम जो है सभी के साथ आपका लाइव इंटरव्यू डिस्कशंस करवाने वाले हैं. तो आप मुझे बताइएगा आपको किस किस का चाहिए, जो भी नाम आपको चाहिए, जो भी लोगों को आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं लाइव, एंड जिनसे भी आप इंट्रैक्शंस करना चाहते हैं, जिनके भी इंटरव्यूज़ आपको चाहिए, वो सब के इंटरव्यूज़ के बारे में आप बता सकते हैं कॉमेंट्स में. वी विल ब्रिंग देम. और स्पेशली जो भी हमारे अनअकैडमी के स्टूडेंट्स ने क्रैक किया उन्हें तो हम सबसे पहले लाने की कोशिश करेंगे. तो नेहा बनर्जी, इनका रोल नंबर है आप देख सकते हैं 5806038, नेहा बनर्जी. अब आप देखिए गाइस कितनी अच्छी चीज़ है कि आप देखेंगे कि नेहा काफ़ी पढ़ाई को लेकर के सिंसियर थी और रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रही थी ये अनअकैडमी पर. इनकी प्रोफाइल पर आप देखेंगे कि वीडियोस एंड सब चीज़ें क्लासेस बहुत रेगुलरली थे. इसका मतलब क्या है कि जस्ट एक प्रोफाइल बना लेना और एक तरीके से जस्ट आप उसको कभी कभी देख रहे हो या रैंडमली पढ़ रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है. इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन स्टडी से भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है. अनअकैडमी इज सफिशियंट टू क्रैक UPSC एंड यू कैन गेट सच अ गुड रैंक, लाइक रैंक 20, ऑसम रैंक, मतलब बहुत ही अच्छी रैंक है. सो डू यू अग्री, क्या लगता है, ऑनलाइन पढ़ाई से एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है या नहीं? कितने लोगों को लगता है हो सकता है? कुछ लोगों को बिलीव पहले नहीं होता होगा बट अब बिलीव हो रहा होगा आपको, राइट? रैंक 47 ऑल्सो, राइट? रैंक 47 जो हैं हमारे ईश्वर्या AR, ये भी जो है अनअकैडमी स्टूडेंट हैं. इनका भी इंटरव्यू हम लेकर के आएंगे आपके लिए. रैंक 47 ईश्वर्या R, ठीक है, ये भी हैं जो कि हमारे अनअकैडमी स्टूडेंट हैं. इनको भी हमारी तरफ से स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड स्पेशल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी, राइट? सो लग रहा है कि अब पहले डाउट था बट अब लग सकता है कि क्लियर करेंगे, राइट? चलिए, तो जिन जिन लोगों को लगता है कि नेक्स्ट टाइम लिस्ट में नाम आने वाला है आपका, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है? कहते हैं ना पॉजिटिविटी कम्स बैक, सो लेट्स सी हाउ इट कम्स बैक, राइट? अब मैं आपके डाउट्स पे आती हूँ. तो अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को डिस्कशन कर लेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर के. तो आपको मैं गाइस सभी जो नए नए और भी स्टूडेंट्स के हमें नाम पता चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं कि उन्हें अनअकैडमी से काफ़ी फ़ायदा मिला, तो अभी हम लोग उनकी लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और उनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हैं. साथ ही गाइस आपको बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी प्लस पर आज ही नए 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, 2 ईयर्स के बैचेस आज ही शुरू हो रहे हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. कोई डाउट है अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से पहले तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं. कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर टू गेट एनी डाउट क्लियर. कोई भी डाउट है अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पर उससे पहले बात करना चाहते हैं, डाउट पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते हैं.
अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज ही हमारे 2 साल के नए नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों बैचेज हैं, और मेरा एनसीईआरटी का बैच मेरे आर्ट एंड कल्चर स्पेक्ट्रम की क्लासेस इंक्लूडेड है। जस्ट यूज़ दिस कोड TOP10, TOP10 का ये रेफरल कोड आपको यूज़ करना है। TOP10 और RANK10 दोनों मेरे ही कोड हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। TOP10 और RANK10 एनी रेफरल कोड यू कैन यूज़। 5000 पेजेस के आपको कंप्लीट 110 नोट्स मिलेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सफिशियंट है। पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको कॉल एंड व्हाट्सएप पे मिलेगी। UPSC की सारी स्टैंडर्ड बुक्स का PDF कंपाइलेशन, सारा कोचिंग का मटेरियल आपको मिलेगा। ये हमारी तरफ से आपके लिए अलग से है, 10% डिस्काउंट के साथ ये अलग से बेनिफिट्स हैं अगर आप TOP10 का कोड यूज़ करते हैं। और TOP10 के कोड से आप बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी देख सकते हैं, बाकी सबकी क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवन, लाइक कोई भी बैच कोई भी कोर्स आप देख सकते हो। जस्ट रिमेंबर द रेफरल कोड। ओके, नाउ आप ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो TOP10 का ये कोड है जो आपको अप्लाई करना है। ये डिस्काउंट कोड है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो गाइस इसका। यहाँ पे ये रेफरल कोड है एंड दिस इज़ द नंबर, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। लाइक लेटर कभी भी, आज नहीं कल परसों, कभी भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई डाउट हो जाए, कोई क्वेरी हो जाए, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है बात ये करेंगे कि अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब यू आर द वन जो कि अभी शुरू करना चाहता है प्रिपरेशन को, और इसको लेकर के आपके मन में डाउट्स हैं, तो स्टार्ट कैसे करना है? ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या वो पहला स्टेप होना चाहिए, कौन सी वो पहली किताब होनी चाहिए जो पढ़नी है। क्या लगता है गाइस, पहले सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, वॉट डू यू थिंक, सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? हिमांशु रावत ने पूछा आइकॉनिक पैकेज के बारे में, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट आल्सो, यू कैन कॉल और व्हाट्सएप अस हिमांशु। एंड संजय ने पूछा है, मैम आई यूज्ड योर कोड, इट वाज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच संजय, आपने कोड यूज़ किया मेरा। ओके, हिस्ट्री, राइट, सही बात है, हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए गाइस, क्या लगता है? देखिए, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है ना, इसलिए मैं आपके साथ लाइव डिस्कशन कर रही हूँ। ये वीडियो तो मैं नॉर्मली भी अपलोड कर देती, बट वाई लाइव, बिकॉज वी शुड डिस्कस दिस, क्यों हिस्ट्री पहले पढ़ना चाहिए, वाई, बिकॉज कभी भी किसी भी देश के बारे में अगर जानना है, उसके लिए आप क्या करने वाले हो? आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपका काम क्या होगा? अगर आप IAS ऑफिसर बन गए तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली यू विल बिकम ऑफिसर, वॉट विल यू डू, यू विल मेक पॉलिसीज, आप हमारे देश का फ्यूचर बना रहे हो एक तरीके से, पॉलिसीज बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो चीज़ों को। तो अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता होगी, अपने देश की पुरानी बातों को नहीं पता, पुराने स्ट्रगल, चैलेंजेस, दिक्कतें, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ अगर नहीं जानेंगे, तो हम कैसे एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, इजेंट इट? तो सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री कौन सी बुक से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बुक जो आपकी पहली बुक होनी चाहिए ना, कई लोग बोलते हैं कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। देखिए, NCERT तो पढ़नी ही है, NCERT तो क्लास 6 to 12 होनी ही चाहिए, वो तो ठीक है, बट एक बुक है जो इससे भी पहले आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो NCERT है ना, उसमें सीक्वेंस नहीं है। तो हिस्ट्री के सीक्वेंस को समझने की सबसे अच्छी बुक जो आसान भाषा में है, वो है तमिलनाडु हिस्ट्री बुक। तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है क्लास 11th की, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। इसका PDF भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से PDF ले लीजिएगा। रैंक सिक्योर IAS अकेडमी के नाम से आपको मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल, रैंक सिक्योर IAS अकेडमी, दिस इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल गाइज, प्लीज़ ज्वाइन इट, यहाँ से आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे, कोई भी डाउट होता है तो यहाँ से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़नी है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है आपने, ये बुक पढ़नी है। वाई, बिकॉज इसमें एंशियंट हिस्ट्री भी है, इसमें मिडिवल हिस्ट्री भी है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है, और ये बुक बहुत ही पतली किताब है, इतनी पतली किताब है कि आप इसको 3-4 दिन में पूरा रट लोगे, बहुत ही आसानी से कवर कर लो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सबसे अच्छी बात इस बुक की है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप देखिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है UPSC का, अगर आपको उसका एनालिसिस चाहिए
और उसकी बुक लिस्ट चाहिए, तो उसका एनालिसिस प्लस बुक लिस्ट का वीडियो मैंने नया बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम से उस पर लिंक शेयर कर देती हूँ, मैं अभी ही शेयर कर देती हूँ, आई जस्ट शेयर इट। ठीक है, मैंने शेयर कर दिया है गाइस टेलीग्राम पे, आप लोग देख लीजिए, मैंने जस्ट अभी ये लिंक शेयर कर दिया है। रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी का ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, इससे आप जो है देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को सिलेबस ही नहीं पता होता, सिलेबस डिकोड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिलेबस डिकोड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप सिलेबस को समझिए। ओके, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑन टेलीग्राम फॉर सिलेबस, तो आप देख लीजिएगा, रैंक सिक्योर के आईएएस एकेडमी के चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने शेयर कर दिया है गाइस, वहाँ से आप देख लेना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। चौथी चीज़ है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से एजुकेटर को फॉलो करें, चाहे आप प्लस पे देखो चाहे आप फ्री क्लासेस में देखो। सब्जेक्ट वाइज एजुकेटर की जो लिस्ट है उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है ऑलरेडी, उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, वो भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ टेलीग्राम पे। आप ये सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बेस्ट एजुकेटर फॉलो करना है उसकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप है आपको ये बुक पढ़नी है, तमिलनाडु हिस्ट्री बुक, तमिलनाडु बोर्ड की बुक आती है ये, क्लास 11th की है ये आपने पढ़नी है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है और सिलेबस पढ़ना है पूरा। सिलेबस को समझने के बाद आप एनसीईआरटी शुरू करेंगे, 6th to 12th आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है, ये सब आपको पढ़नी है न्यू एनसीईआरटी। 11th की हिस्ट्री वाली जो है वो आपको पढ़नी है ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, ऑल सब्जेक्ट्स न्यू एनसीईआरटी, केवल आपको जो हिस्ट्री क्लास 11th है उसकी ओल्ड पढ़नी है। ठीक है, दैट्स इट, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान से इसको कवर करेंगे, और इसके साथ 1 ईयर का करेंट अफेयर पढ़ा होना चाहिए, 1 साल का करेंट अफेयर। द हिंदू न्यूज़पेपर से पढ़ लेंगे 1 साल का करेंट अफेयर, ठीक है, कवर हो जाएगा। 1 ईयर का करेंट अफेयर आपको आना चाहिए। ओके गाइस, आई होप दिस इज़ क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? और कोई दिक्कत है गाइस, कोई वीडियो है, कोई रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं, वी कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, तरुण ने पूछा है कि मैम वीडियो ऑन ओनली हिस्ट्री एनसीईआरटी बुक्स। हाँ हाँ, वो सब भी है, एनसीईआरटी का जो बुक है वो मैं उसके वीडियोस बना चुकी हूँ। और प्रशांत आपने पूछा है कि क्या आइकॉनिक ज़्यादा अच्छा है? ऐसी बात नहीं है, आइकॉनिक भी अच्छा है, प्लस सब्सक्रिप्शन अच्छा है, दोनों में क्लासेस सेम होती है गाइज। बहुत लोगों का डाउट है कि प्लस का नॉर्मल जो सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक है इसमें क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस आइकॉनिक में आपको मेंटर्स अलग से मिलते हैं, बाकी जो कोर्सेज हैं और क्लासेज हैं सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, सब कुछ सेम है, आपको जो भी लेना है आपको बस कोड यूज़ करना है, रैंक 10 का कोड यूज़ करेंगे और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कौन सा पढ़ना है, अगले पे आते हैं। हिस्ट्री पढ़ लेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री के बाद अगला सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? पॉलिटी। पॉलिटी के बाद अगला सब्जेक्ट होना चाहिए आपका ज्योग्राफी, उसके बाद होना चाहिए इको, और उसके बाद होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपको, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको लास्ट में टेस्ट सीरीज देनी होती है। लेकिन इन सभी बातों में कोई पर्टिकुलरली आपका कोई क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं या आपको हेल्प करें, तो आप कॉमेंट्स में बताइएगा, आई विल वर्क ऑन दैट, आई विल ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, जब भी आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको टॉप 10 या रैंक 10 कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो। अगर आप टॉप 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको 5000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स, पर्सनलाइज मेंटरशिप, यूपीएससी की बुक्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें गाइस, मेरी
जो विशेज है आपके साथ हैं, जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी हम एक और स्ट्रैटेजी वीडियो बनाएंगे कि अगर आप फर्स्ट नहीं, अगर आप सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। और कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन। टेक केयर। बाय बाय।